हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुक अमेजिंग में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सुपर डिलीशियस एक स्नैक्स की रेसिपी। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है टेस्ट में, और इसे खाने के बाद आप पास्ता है या मैक्रोनी या हो मंचूरियन, इन सब के स्वाद इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। इसे आप पटैटो मशरूम या मशरूम पटैटो या पटैटो की कोई डिश ऐसे बोल सकते हैं। ये मशरूम के सेप के होते हैं और पटैटो के बने होते हैं, इसलिए ना मोस्ट ऑफ पटैटो मशरूम बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। मैंने लिए हैं यहाँ बॉइल्ड पटैटो, ये बहुत ही छोटे हैं, जिससे हम दम आलू बनाते हैं ना उतने छोटे। इनको हम बारीक कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे, या आप छन्नी से इसको मैश भी कर सकते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल दाना ख़त्म हो जाएगा इसका। मैंने मैश कर लिया है। मैंने इसमें डाल देती हूँ कॉर्नफ्लोर, 2/3 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, और डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के इतना डालेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये बहुत लेसी जैसा हो गया है, गीला गीला। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल 2-4 बूंदे लेके और इसमें अच्छे से लगा देंगे, जिससे थोड़ा सा ये गीला जो है वो हाथ पे चिपके ना। ये पटैटो का डो हमारा रेडी हो गया है, हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट। तब तक हम एक थाली में ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेते हैं। जब तक ये रेस्ट होता है हम अपनी थाली तैयार करते हैं। थाली भी ग्रीस होके रेडी है और डो भी रेस्ट कर चुका है। तो हम ऑयल लेके अच्छे से हाथ पे रब कर लेंगे, और अच्छे से फिंगर और हथेलियों पर लगाना है, ताकि ये डो हम जब लें हाथ में तो ये बिल्कुल भी चिपके ना और चिकने से गोले बने। हमको छोटे छोटे गोले बनाने हैं, और उसको बोतल की टिप में ऑयल लगाकर उसको प्रेस करना है इस तरह से। ये इस तरह से हम मशरूम का सेप बनाएंगे और थाली में रखते जाएंगे। हाथों पर अच्छे से तेल लगा रहना चाहिए, नहीं तो ये हथेलियों पे चिपकेगा डो हमारा। इस तरह से हम सारे अपने मशरूम बनाकर रेडी कर लेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से साइज इनका रख सकते हैं। हमारे सारे मशरूम रेडी हो गए हैं बनकर। तो हम चलते हैं, एक बॉयल कर लेते हैं पैन में वाटर। ये बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें एक एक मशरूम को आराम से उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। लाइट हैंड से हमें ये काम करना है, नहीं तो इनका शेप बिल्कुल बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं। जैसे ही ये थोड़े से पकते जाएंगे तो वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। मशरूम को हमें इसी तरह बॉइलिंग वाटर में ही बॉईल करना है लगभग 5 मिनट। 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। गर्म गर्म में इनका सेप बहुत ही नाजुक होता है, झट से टूट जाते हैं ये, तो हमें अच्छे से इनको हैंडल करना होगा। लाइटली थोड़ा सा चला लेते हैं, बहुत ही लाइट हाथों से, और इनको निकाल लेते हैं। मैंने निकाल कर थोड़ा ठंडा किया है, और मैं सॉस की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ ऑयल, ये बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। इसको गर्म करते हैं और डालते हैं एक चम्मच भर के गार्लिक। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इसको भूनना है, लेकिन चलाते हुए ही भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। हाई फ्लेम पर ही सारी सब्जियां हमें इसमें कुक करनी है। काफ़ी इसका कलर
चेंज हो गया है, हम थोड़ा और इसको भूनेंगे। अच्छे से भुन गया है हमारा, तो हम इसमें डाल देते हैं एक ऑनियन। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा था, ये मीडियम साइज़ का ऑनियन है। आप चाहो तो स्लाइस में ऑनियन को डाल सकते हैं। ऑनियन और सारी वेजीज जो इस्तेमाल करें वो स्लाइस में डाल सकते हैं। अच्छे से भुन गया है हमारा ऑनियन, तो हम इसमें डाल देते हैं अब कैप्सिकम। इसको भी मैंने बारीक चॉप किया है, ये भी एक कैप्सिकम है। हमें सारी सब्जियां हाई फ्लेम पर ही कुक करनी है ताकि ये क्रंची रहें। और इसमें डालते हैं मसाले, तो मैंने डाला है 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और डाला है नमक 1 चम्मच। ये चिल्ली पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं है। और 1 चम्मच ही डाल देती हूँ यहाँ पर मैगी मसाला। और 2 बड़े चम्मच डालूँगी रेड सॉस, टोमेटो वाली। आपके पास चिल्ली सॉस हो रेड वाली तो वो भी थोड़ा डाल देना। और थोड़ी सी मैं डाल दूँगी इसमें सोया सॉस, 1 चम्मच के लगभग डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम सारी वेजीज के साथ। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन 1 कप पूरा पानी जाएगा इसमें। अब इसको बॉयल होने देते हैं 1 कप पानी के साथ। मैंने बनाया है इस ग्रेवी को, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। हल्का सा बॉयल होने लगा है, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून के अप्रोक्स। और इतना ही डालेंगे हम इसमें ऑरिगेनो। आपको बिल्कुल तीखा नहीं चाहिए है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। अच्छे से बॉयल होने लगा है, तो हम इसको मिक्स कर देंगे और बॉयल होने देते हैं। मुझे थोड़ा सॉल्ट ये लगा कम होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला था सॉल्ट अभी। और इसको बॉयल होते हुए थोड़ी 5 मिनट इसको कुक करना है। सॉस को हमारी सॉस थिकर होनी चाहिए, तो हम इसके लिए इसमें एक बाउल में ले लेते हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसको घोल लेते हैं, पतला घोल बना लेते हैं। इसका यूज़ हम करेंगे अपनी ग्रेवी में, ग्रेवी को थिकर करने के लिए। चलाते हुए इसको डाल देंगे और अच्छे से चलाना है, क्योंकि ग्रेवी में अगर ये जाएगा तो चलाएंगे नहीं तो लम्स बन जाएगा, इसलिए प्रॉपर चलाते रहना है अच्छे से। ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक हो गई है, तो हम अपने सारे मशरूम इसमें डाल देंगे। मशरूम को हमने फैन के नीचे ही रख दिया था, तो वो ठंडे अच्छे से हो गए हैं और अपना शेप होल्ड कर लिया है इन्होंने। अच्छे से डालकर इसमें हल्के हाथों से ही चलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे, बहुत ही नाजुक होते हैं। ग्रेवी के साथ अब हमको इन्हें पकाना है इसमें, ताकि ये अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाएं। ये काफ़ी थिक हो रहा है, हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे, ताकि मशरूम में हमारा धनिया का भी फ्लेवर जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये। सॉस हमारी काफ़ी थिक हो गई है, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बस 2 सेकेंड इतना ही ठंडा करना है। थोड़ा सा एकदम गैस से निकाल के तुरंत प्लेट में जाना सही नहीं है, इसलिए इसको सर्व कर लेते हैं हम। ये देखिए ग्रेवी कितनी थिक है और एकदम मशरूम को कोट कर लिया है। हमारे डिलीशियस से पोटैटो मशरूम बनकर रेडी हो गए हैं। ये ग्रेवी वाले मशरूम हैं, एक ड्राई मशरूम भी बनते हैं, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी।
ये वाले आप मशरूम बनाकर देखिए, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, और सबको खिलाइए। ये घर पर सारे इसके इंग्रेडिएंट आसानी से मिल जाएंगे और टाइम भी नहीं लगता है इनको बनाने में, झटपट से बन भी जाते हैं और अच्छे भी बहुत लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको झटपट से मिल जाएं। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।